नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली न्यूज चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस चौकी हल्दाना पानीपत के अंदर, जहाँ आज राजा चौबे वर्सेस अभिषेक छोकर और मदन छोकर केस में चश्मदीद को आज यहाँ पर बयान के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही चश्मदीद यहाँ बयान अपने दर्ज कराने पहुंचा तो पता चला कि चौकी इंचार्ज शादी में गए हैं और वो 3 दिन की छुट्टी पर है। उन्हीं के कहने पर चश्मदीद के जो बयान है वो यहाँ लिखित में ले लिए गए हैं उन अधिकारियों द्वारा जो थाने के चौकी के अंदर इस वक्त मौजूद थे। सर, सर मैं एडवोकेट हूँ, एक करोरोमा कंपनी है, उनके मुलाजिम है, उनने केस रजिस्टर करवा रखे सर। FIR नंबर है 73/2023 का सर। तो सर उसमें विटनेस है एक प्रिंस, उसके लिए अपने IO साहब ने बुलाया था यहाँ पे, तो वो आए हैं थोड़ी उनकी स्टेटमेंट करवाने के लिए। IO कौन है? IO अपने चौकी इंचार्ज है राणा जी। राणा जी हैं? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने कल नोटिस दिया था, अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कब आना कब नहीं आना है, जो भी है तो आज आ गए। अब ये अच्छा। छुट्टी पे थे तो बता रहे, छुट्टी पे तो बताने थे ना, कभी छुट्टी पे सर मैं पता है क्या है, मैं ये कह रहा हूँ उनके आने के बाद करो, क्या करो उनके आने के बाद करोगे फोन? तो चलो ठीक है, अब ये आए हैं तो जो इनकी तरफ से जो फैक्सिंग को पता है वो रिटर्न में लिख कर दे जाता है और दोबारा फिर बुलाओगे फिर आ जाएगा सर। हाँ हाँ, दोबारा बुला लेना, जो भी फैक्स है वो एक केस रजिस्टर करवा रखा है, नंबर 73/2023 अंडर सेक्शन 323, 406, 452 और 34 IPC। इसमें PS इस्तेमाल का है, इसमें IO साहब का कल इनको एक नोटिस गया था कि भाई आपके पास जो भी गवाह हैं उनको लेके आए, तो आज इसमें जो एक आई विटनेस हैं प्रिंस, जिनको ये लेके आए हैं साथ, अपने साथ हम लेके आए पुलिस स्टेशन में। लेकिन अभी आकर आने के बाद पता चला है कि जो IO हैं राणा प्रताप जी वो छुट्टी पे हैं आज, जबकि नोटिस में ऐसा कुछ बताया नहीं कि भाई कब आना है कब नहीं आना है। और जो उनका काम देख रहे हैं SI साहब, उन्होंने कहा है कि भाई अपनी आप स्टेटमेंट रिटर्न में लिख कर दे जाएं, उसके बाद हम फिर कोई इंक्वायरी होगी तो फिर से पूछ लेंगे। तो आज यही सब कुछ हुआ है और इसके अलावा भी इसमें विटनेस हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम IO साहब जब भी कहेंगे वो दे देंगे। एक तो इसमें आई विटनेस प्रिंस हैं और दूसरे भी विटनेस हैं इसमें, जो इंसिडेंट पूरे उस टाइम क्राइम के दौरान जो अपराध है उसके दौरान वो मौजूद थे, तो जो भी फैक्ट्स और जो भी प्रूफ तो चीज़ें होंगी तो IO साहब जब भी बुलाएंगे तो आकर वो सारी चीज़ें देंगे। डेट 25 अगस्त 2022 को केरोरामा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री प्रेमिसेस में, मैं समय तकरीबन 6 बज रहा था, उस टाइम में मैं गार्डन एरिया में था, गार्डन एरिया से मैं जा रहा था शेड 1 में मशीन में कुछ काम करने के लिए। उसी दौरान समय 6 बजे कुछ आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं तुरंत जाकर के देखा सामने वाले ऑफिस से मैं दरवाज़ा बंद था। जब मैंने दरवाज़ा खोला, थकथकाया, 2-3 बार धक्का दिया तो दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने देखा राजा जी सर को 4 आदमी मिलके घेरे हुए थे, जो मदन चोकर, सुनील नेत्रपाल और आदेश था। उनमें में से एक आदेश बंदा था, वो राजा सर को बुरी तरह से मार रहे थे लात और घूसों से। तब मैंने जाकर के मदन चोकर को रिक्वेस्ट की, इनको क्यों मार रहे हो, इनको छोड़ दो। उसी दौरान वो लोग सचेत हो गए और राजा सर को जैसे ही मौका मिला वो वहाँ से निकल गए, छटक करके बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे मैं भी आया, फिर मदन चोकर पीछे से आया और बोला अगर इस बारे मार पिटाई के बारे में अगर तुमने किसी से कंप्लेन की या पुलिस में शिकायत दी तो तुम्हें आज से जान से मार दूंगा मैं। इस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर राजा सर को मैंने ले जा करके घर लेकर के गया, घर में थोड़ा सा रेस्ट करवाया। रेस्ट करके जैसे टाइम जैसे जैसे बीत रहा था उनका पेन जो कान का था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो हम लोगों ने मैंने उनको ले जा करके
CHC समालखा हॉस्पिटल में जाकर के चेकअप करवाया। डॉक्टर ने सजेस्ट किया जो इनका पहले MLR करवाओ, डॉक्टर के कहने पे ही हम लोगों ने MLR करवाया, सब कुछ किया और फिर जा कर के वो, यही मेरी कंप्लेंट थी। जी हाँ, चार आदमी थे, मदन चोखर, सुनील, नेत्रपाल और आदेश, इनको मैं अच्छी से जानता हूँ शकल से भी, और वो फैक्ट्री प्रीमिसेस में आते रहते हैं। क्या अभिषेक भी थे? अभिषेक चोकर उस घटनाक्रम में नहीं थे, लेकिन अभिषेक चोकर जैसे दिन, जैसे कुछ दिन बाद पार हुआ, हम लोगों ने इन उसके दौरान मार पिटाई के बाद ही कैमरा इंस्टॉलेशन करवा दिया था। इस मामले में ये भी सामने आया है कि जो आरोपी है उनके पास गन थी, वो क्या आपने देखा, क्या कैसे घटना? हालांकि जिस ये मार पिटाई की घटना होने के बाद हमारी मैनेजमेंट टीम ने कंपनी प्रीमिसेस में सिक्योरिटी सर्विस लाइन CCTV की सारी फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल करवा दी हम लोग को सिक्योरिटी में। उसी के दौरान मैनेजमेंट ने भी हमें प्रोत्साहन काफ़ी किया, जो चले जाओ हम लोग तुम्हारे साथ है, कोई कुछ नहीं करेगा, सब कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी तुम्हारे साथ है। मैनेजमेंट का बात सुनते हुए मुझे लगा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मैंने भी जाना स्टार्ट किया, लेकिन यही मदन चोकर, अभिषेक चोकर, ये लोग का रवैया बदला नहीं। मदन चोकर का बेटा अभिषेक चोकर जब कभी भी फैक्ट्री प्रीमिसेस में हम लोग जाते थे तो हमारे सामने में पिस्टल गन लहराते हुए हम लोग के सामने जाता था और डराता था, यही है। वीडियो जर्नलिस्ट समी सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, संघर्ष दिल्ली न्यूज चैनल।